हेलो दोस्तों, आपने अभी तक बहुत सी वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी जो आज आप देखने वाले हो। तो आज की वीडियो है उन प्राणी के बारे में जो कि इस दुनिया से बहुत जल्दी ही विलुप्त होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10, ब्लैक फुटेड फिरेट, जिनकी साइंटिफिक नेम मुस्तेला निग्रिप्स। ये ब्लैक फुटेड फिरेट जनरली नॉर्थ अमेरिका, साउथ कनाडा, नॉर्थ मेक्सिको इन कंट्रीज में पाया जाता है। माना जाता है कि इनकी आबादी 1979 में ख़त्म हो गई। फिर 1981 में इनको वायोमिंग के कुछ पहाड़ी इलाकों में देखा गया और तब से लेकर आज तक इनकी आबादी दिन ब दिन घटती ही जा रही है और आज इनकी आबादी सिर्फ 300 से 400 के बीच में रह गई है। नंबर 9, एडेक्स, इनकी साइंटिफिक नेम एडेक्स नसुमाकुलाटूस है। इनको दुनिया में कई जगह पर व्हाइट एंटीलॉप के नाम से भी जाना जाता है और ये अभी सिर्फ दुनिया के एक ही जगह पर मिलती है और वो है सहारा डेजर्ट। इनकी आबादी अब सिर्फ गिने चुने नंबरों में ही रह गई है और वो है 30 से 90 के बीच में। यह पुराने दिनों में साउथ अफ्रीका में भरपूर मात्रा में पाया जाता था, लेकिन अब सिर्फ गिने चुने नंबरों में ही मिलते हैं। नंबर 8, नॉर्दर्न बाल्ड एबिस, इनकी साइंटिफिक नेम जियोरोंटिकोस इरिमिता है। ये दुनिया की सबसे रेयर बर्ड्स में से एक है। इनकी आबादी अभी 250 से भी कम बची हुई है। इनकी आबादी सिर्फ मोरक्को में ही पाया जाता है अब। लेकिन क्या आपको पता है, ये बर्ड्स भारत में भी कभी पाया जाता था, लेकिन वो हजारों साल पहले। अभी तो सिर्फ मोरक्को में ही ये पाया जाता है। नंबर 7, क्रॉस रिवर गोरिल्ला, इनका साइंटिफिक नेम गोरिल्ला गोरिल्ला देहली है। इस प्रजाति की गोरिल्ला अब दुनिया में बहुत कम ही बची हुई है, क्योंकि पुराने जमाने के आदिवासी लोग इन गोरिल्ला को शिकार कर लिया करते थे। इसी वजह से इनकी प्रजाति अब सिर्फ नाइजीरिया के कुछ इलाकों में ही बची हुई है और इनकी आबादी अब सिर्फ 250 से भी कम बची हुई है। नंबर 6, सावला, इनकी साइंटिफिक नेम स्यूडोराइक्स है। इनको दुनिया में एशियन यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इनकी आबादी अभी सिर्फ वियतनाम, लाओस इन जैसी कंट्रियों में ही दिखाई पड़ती है और इनकी आबादी अब 250 से भी कम बची हुई है। नंबर 5, अमूर लियोपर्ड, इनकी साइंटिफिक नेम पैंथर पारडुक्स है। इस प्रजाति की टाइगर सबसे रेयर टाइगरों में से एक मानी जाती है। इनकी आबादी अभी 100 से भी कम बची हुई है। ये रशिया के अमूर नदी के रहने वाले हैं। इस प्रजाति की टाइगर बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। इनकी उम्र साधारण 35 से 40 साल तक की होती है। नंबर 4, फिलिपाइन कोकोडाइल, इनकी साइंटिफिक नेम कोकोडाइलोस मेंडोरेंसिस है। फिलिपाइन कोकोडाइल की आबादी अभी 100 से भी कम बची हुई है। ये सिर्फ फिलिपाइन के आइलैंड में ही पाया जाता है। इनकी आबादी शिकार की वजह से दिन ब दिन कम होती जा रही है और इनको फिलिपाइन के लोग नेगेटिव व्यू से देखते हैं, क्योंकि ये इंसानों पर हमला करते हैं। नंबर 3, सुमात्रन राइनो, इनकी साइंटिफिक नेम डाइसोरोर हिनोस है। इस प्रजाति के राइनो को दुनिया के सबसे कम पाए जाने वाले राइनो में गिना जाता है। इनको कई जगह पर एशियन टू हॉर्न राइनो के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी आबादी 100 से भी कम बची हुई है। इस प्रजाति के राइनो को 90,000 साल पहले से ही रेयर स्पेसिस में गिना जाता था। यह इंडिया, भूटान, थाईलैंड, बांग्लादेश के कुछ पार्ट में ही पाया जाता है। नंबर 2, साउथ चाइना टाइगर, इनकी साइंटिफिक नेम पेंथेरा टाइगरिस। इस प्रजाति के टाइगर को लोग अमोय टाइगर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रजाति की टाइगर फर्स्ट चाइना के बाहर लहू वैली में जन्म हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में है। इनकी आबादी अभी 100 से भी कम बची हुई है। यह अब सिर्फ साउथ चाइना में ही पाया जाता है और इनकी उम्र 20 से 25 साल तक होती है। नंबर 1, इस प्रजाति के जानवर दुनिया में सबसे कम पाए जाते हैं, जिसका नाम है वेकुइटा। इनकी साइंटिफिक नेम फक्यूना सिनस है। इनकी आबादी अब सिर्फ 6 से लेकर 12 तक के बीच में है। वेकुइटा को फर्स्ट 1958 में कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में देखा गया था और उसके बाद से इनकी आबादी दिन ब दिन घटती ही जा रही है। और इस प्रजाति के जानवर बहुत छोटे साइज के होते हैं, इसलिए इनको मछुआरे आसानी से ही पकड़ लेते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक अब इनकी आबादी बढ़ाई नहीं जा सकती।